ना मेरे भाई, ये उन कुछ खास गिने चुने महानुभाव लोगों के लिए है जो वे प्रोटीन के नाम पे धड़ल्ले से वे प्रोटीन तो यूज कर रहे हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि सोया चंक्स जो बहुत अच्छी चीज होती है, अच्छा सोर्स होता है, सस्ता होता है, और जो बेचारे यूज करते हैं उनको गलत गाइडेंस देते हैं और ये बोलते हैं कि वे प्रोटीन आप लो और उससे एक अच्छी बॉडी बन जाएगी, ना कि एक सोया चंक्स खाने की उससे। तो मेरे भाई, उन लोगों को मेरा बस यही मैसेज है और ये वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आपके पास में पैसा जरूर है, लेकिन उन बंदों के पास में जिनके पास पैसों की कमी होती है, वो ऐसी ही घर की छोटी छोटी चीजों से वे प्रोटीन जैसी चीजों को यूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका बजट तो उतना रहता ही नहीं ना। लेकिन कुछ आप लोग जैसे लोग जो ये बोलते हैं कि सोया चंक्स खाने से या कुछ और खाने से मैन बूब्स हो जाते हैं, या एस्ट्रोजन लेवल उनका हाई हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका डाउन हो जाता है, तो मेरे भाई ये वीडियो, इस वीडियो के अलावा मैंने इतने सारे 2 से 3 वीडियो उन लोगों पे बनाए हैं, तो बहुत मेरे भाई लोगों के डिमांड पे भी ये वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उनका ये कहना है कि सर थोड़ा सा ये आप बताओ उसके अंतर क्या है जो वे प्रोटीन और सोया चंक के अंदर। तो सबसे बड़ी बात, सबसे सस्ता तो जो प्रोटीन में है ना मेरे भाई, सोया चंक्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 50 ग्राम प्रोटीन में जो मात्र 10 रुपए का मिलता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपको देता है 25 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, उसमें फाइबर भी आपको मिल जाता है और बहुत सारी और अलग न्यूट्रिशन मिल जाती है साथ में उसके। खाने में थोड़ा सा जरूर अलग लगता है, थोड़ा सा भिखार टाइप का लगता है, लेकिन सस्ता है तो इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। साथ में आपको 10 रुपए में आपको पेट भी भर जाता है, आप जब खाओगे ना उसको सोया चंक्स तो लगेगा कि आप खा रहे हो। और वे प्रोटीन जहां हम 10 रुपए की चीज में 25 ग्राम प्रोटीन यूज कर रहे हैं, वहीं आप 70 से 80 ग्राम के एक स्कूप के अंदर, एक स्कूप मतलब बॉक्स आप समझ लो कि अभी जो वे प्रोटीन का जो रेट है ना मेरे भाई, बहुत हाई हो गया है, और कुछ इन खास लोगों की वजह से ही वे प्रोटीन का रेट बढ़ा है, मेरे को ऐसा लगता है। तो आप 80 रुपये या 100 रुपये के एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, उसके बाद भी आपको खाना पड़ता है। तो बहुत से लोग, मेरे भाई लोग जो यूट्यूबर है बड़े बड़े, वो ये भी बोलते हैं कि लिक्विड डाइट को कम यूज करो, मतलब वे प्रोटीन भी तो लिक्विड डाइट में ही कहीं ना कहीं आ गया ना, तो उसकी जगह आप सोया चंक्स को यूज कर सकते हो 100%। आप चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपको पूरा करना है। अगर आप ये सोचते हो कि आपको वे प्रोटीन पी रहे हो और आपकी बॉडी बन जाएगी, बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा हूँ मेरे भाई। मैं इतने सालों से सोया चंक्स को यूज कर रहा हूँ, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मेरे जितने क्लाइंट्स हैं ना ही, और यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के वीडियो अब बन चुके हैं, पहले तो कम थे अब बन चुके हैं, तो आप उनके भी वीडियो देखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, डेली भी यूज कर सकते हो। अगर आपको डेली नहीं, मैं तो 100 ग्राम यूज करता हूँ, आप यूज 50 ग्राम तो सेफ है ना मेरे भाई। तो आप बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम एक काम करते हैं कि हम वे प्रोटीन ले लेते हैं, सोया चंक्स नहीं खा सकते। तो वे प्रोटीन के अलावा भी आपको आपकी डाइट पूरी करनी पड़ेगी, आपका पूरा प्रोटीन गोल पूरा करना पड़ेगा, और हम जो रहते हैं ना प्रोटीन गोल की को ही पूरा करने के लिए सोया चंक्स का यूज करते हैं। आप ये सोचो कि चिकन खाने के बाद भी, एग्स खाने के बाद भी मेरी डाइट से और मेरे क्लाइंट्स की डाइट से सोया चंक्स जाता नहीं है, ठीक है ना, और थोड़ा सा क्वांटिटी उनकी बढ़ जाती है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, वो 5,000 का सप्लीमेंट लेने से अच्छा अब अपनी डाइट को पूरा करो, चिकन एग और सोया चंक्स में यूज करना चालू करो। तो भले कुछ भी हो भाई, मैं वे प्रोटीन को ऐसा इतना समझता नहीं हूँ, जादू की पुड़िया नहीं है कि आपकी बहुत, हाँ ये बात है कि तुरंत रिकवरी हो जाती है, ये सब चीजें मुझे मालूम है कि साइंटिफिक तरीके से आप बोल सकते हो, लेकिन जिसके पास पैसा ही नहीं है मेरे भाई, है ना, जिसके पास पैसा ही नहीं है वो क्या करेगा ये बताओ मेरे को। किसी के घर में जो बंदा है, चलो बाहर खा रहा है चिकन खा रहा है, लेकिन घर के अंदर वो चिकन अंडे नहीं बना सकता, लेकिन सोया चंक्स ऐसी चीज है जो आप घर में भी बना सकते हो। मैं तो एटलीस्ट वो बोलता हूँ कि बहुत अच्छा है, वो आपको यूज करना ही करना चाहिए। 5,000 की डाइट में आप जहां बॉक्स जो सप्लीमेंट का यूज कर रहे हो ना, उसकी जगह पे आप ये यूज कर लो, सोया चंक्स कर लो, चिकन एग कर लो, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अगर आप 5,000 का डब्बा भी यूज कर रहे हो, तब भी आपको 3 से 4 हजार रुपए लगेंगे आपकी बॉडी वो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन खराब है, मैं खराब कभी नहीं बोलता हूँ, जिसके पास पैसा है तो वो यूज कर सके, और जिसके पास नहीं है मेरे भाई तो कोई डर की बात नहीं है, सोया चंक्स जिंदाबाद, यूज करो उसको,
थोड़े दिन बाद रिजल्ट मिलता है। तो आपको देखो ये जो अप्लाई जो चीज होती है ना, वे प्रोटीन के साथ भी होती है। आप ये कभी नहीं बोल सकते हो कि 2 से 3 महीने में आपको, कम से कम 3 से 4 डब्बे आप जब खाओगे तब आपको उसका रिजल्ट समझ में आएगा। उसके बाद आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, मुझको मालूम है, ठीक है ना। एक जो थोड़ा सा भी थोड़ा बहुत रहता ना इनकेस भी, तो खत्म हो जाते हैं, फिर वो वापस नॉर्मल डाइट पे आते। मैंने बहुत लोगों को देखा वे प्रोटीन कुछ दिन यूज करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सोया चंक्स का यूज जरूर कर सकते हो और रिजल्ट अच्छा मिलता है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले तो सबसे पहले तो यूज करके देखो, वे प्रोटीन यूज कर लिया तो आप सोया चंक्स भी यूज करके देख लो। खाने में बेकार लगता है, अलग अलग रेसिपी आती है, लेकिन भाई जो चीजें मैं एक बात ये और भी बताना चाहता हूँ कि जो चीज महंगी होती है जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा रिजल्ट दे, सस्ती चीज भी अच्छा रिजल्ट देती है, ये हमारा डायलॉग है जो हम बोलते हैं हमेशा से। तो और कुछ सोया चंक्स के बारे में मेरे पुराने वीडियो भी है तो वो जाके देख लो, ठीक है। तो अभी देखना मैं जो नई जो अपने फुल डे ईटिंग जो मैं बताऊंगा ना, उसके अंदर मेरा सोया चंक्स रहता है, प्री वर्कआउट प्लस पोस्ट वर्कआउट भी रहता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वे प्रोटीन को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिसके पास प्रोटीन के पैसे नहीं है और एक अच्छी बॉडी लीन बॉडी को पाना चाहता है तो आप सोया चंक्स का यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय भाई लोग।